दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों कि थ्री इडियट मूवी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरा डिटेल के साथ मतलब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों थ्री इडियट्स मूवी में जैसे दोस्तों देखेंगे तो वो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड एक मूवी है। दोस्तों वो मूवी से हमें सबसे बड़ा सीख यही मिलता है कि दोस्तों जो थ्री इडियट्स मूवी है उसमें मतलब सबसे बड़ा सीख यही मिलता है कि दोस्तों जैसे हम कॉलेज लाइफ में पता होगा कि वो मतलब रट्टा मार के ज़्यादा याद करते हैं। दोस्तों रट्टा मारा वो याद मतलब किस टाइप से होता है कि जो मतलब आप याद किए होंगे वही मतलब आपको याद आएगा तो वही आप मतलब बोलेंगे। दोस्तों वो मतलब उस मूवी से हमें सबसे बड़ा यही सीख मिलता है कि आपको मतलब कोई भी चीज़ रट्टा मार के याद नहीं करना चाहिए, जो कि दोस्तों आप कोई मतलब आसान भाषा में मतलब आपको मतलब समझना चाहिए और आसान भाषा में आपको मतलब वो मतलब समझ के आपको मतलब बोल सकते हैं। दोस्तों आपको रट्टा मार के मतलब याद नहीं करना चाहिए, उससे आपको मतलब कोई भी कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको वो सिर्फ दिखावा के लिए होता है। दोस्तों अगर आप मतलब कुछ भी मतलब लाइफ में पढ़ते हो या कुछ करना चाहते हो दोस्तों, तो ज़्यादातर जो आपका दिमाग जो आपका माइंड कहता है वही करें, ना कि दोस्तों मतलब दूसरे के कहना में ज़्यादा ना करें और दोस्तों रट्टा मार के ना भी मतलब कुछ करें। यानी कि दोस्तों आपका जो माइंड कह रहा है जो करने के लिए वही लाइन में भी जाएं। और मतलब वो थ्री इडियट मूवी में ये भी मतलब दिखाया गया है कि आप मतलब आप जोर जबरदस्ती आपको कोई गार्जियन या मतलब आपका घर वाले बोले तो वो मतलब आपको नहीं करना चाहिए, कि आपको अगर उसमें मन नहीं है और दोस्तों आपको बोल दे कि नहीं उसी में जाना है दोस्तों मतलब वो उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। आपको मतलब जिस लाइन में जाने का मन है तो दोस्तों उसी लाइन में आप जाए, ताकि दोस्तों मतलब आप सक्सेस हो सके। तो थ्री इडियट मूवी में इसी के बारे में मतलब इसी से हमें जो कि कुछ सीख मिलता है, जो कि बेहतर हमें मतलब सीख मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो यहीं तक है, बाकी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दे, उस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, बाकी थैंक यू दोस्तों।